गुड इवनिंग साथियों। प्रोटीन के सबसे सस्ते और अच्छे सोर्स क्या होते हैं, स्पेशली मैं इंडियन पॉपुलेशन के लिए बात करूंगी, जैसे हम लोगों की दिनचर्या रहती है, जैसा रहन-सहन है उसके लिए, स्पेशली तब जब आप वज़न कम करना चाहो। जब भी आप वज़न कम करने की सलाह किसी से लोगे या किसी तरह का वेट लॉस प्लान ज्वाइन करोगे, इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको प्रोटीन का थोड़ा सा बढ़ाना है, प्रोटीन इनटेक बढ़ाना है और जो फैट है कार्ब है उसको कम कर देना है। स्पेशली मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने अभी प्रोटीन के लिए क्या लेना शुरू किया है। अभी रिसेंटली थोड़ा सा वज़न कम किया है, वज़न कम कर रहा हूँ, थोड़ी चाह रहा हूँ कि मसल बिल्ड हो जाए, तो उसके लिए इंडिया में क्या सस्ते प्रोटीन के सोर्सेस उपलब्ध हैं। तो जो सबसे अच्छा प्रोटीन जो आसानी से मिल जाता है, एक बार जब आप उसको फॉलो करोगे, लेना शुरू करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक तो सोयाबीन की बढ़िया है, सोया चंक हम लोग बोलते हैं, वो सबसे अच्छा रहता है, सस्ता भी रहता है। आप मार्केट से जाओ, लाओ, आसानी से बना के उबाल के खाया जा सकता है। सोया चंक्स में होता क्या है कि जितना उसका वजन रहता है उसका लगभग आधा प्रोटीन रहता है। जैसे कि 100 ग्राम सोया चंक आपने लिया तो 52 ग्राम्स उसमें प्रोटीन आपको मिल जाता है। 1 ग्राम प्रोटीन के लिए लगभग आपको कोई 20 पैसे 25 पैसे देने पड़ेंगे। तो मतलब सबसे ये चीपेस्ट सोर्स है, ऐसा कह सकते हैं, आसानी से हम सब लोग बना सकते हैं। मेरा बताने का मकसद ये है कि जब भी आप प्रोटीन रिच डाइट लोगे ना, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना रहता है कि एक तो वो सस्ती हो, आसानी से बन जाए, घर वालों को समस्या ना हो। और नॉन वेज के साथ स्पेशली ये समस्या रहती है कि महंगा रहता है, सारे लोग खाते नहीं, घर के दूसरे सदस्य नहीं खाते, कौन बनाएगा। और नॉन वेज को बिना तेल मसाला डाले नहीं खाया जा सकता, बहुत मुश्किल रहता है। और अगर आपने नॉन वेज के अंदर तेल मसाला डाल दिया तो उसका जो प्रोटीन है ना, फिर वो उस तरह का फायदेमंद नहीं रहता, क्योंकि अलग से आपने फैट वगैरह डाल दिया। बहरहाल मुद्दे पे आते हैं कि पहला तो है कि आप सोयाबीन की बढ़िया है, स्पेशली जो मैं ले रहा हूँ वो है। उसके अलावा जो दालें हैं, अलग अलग तरह की दाने हैं, जैसे कि तुअर की दाल होती है, चने की होती है, मसूर की दाल होती है, उड़द की होती है, और भी कोई दाल हो, उसमें मोटा मोटा आप ये समझो कि जब 100 ग्राम आप खाओगे तो 20 से लेके 26 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है। तुअर में जैसे 23 ग्राम होता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा 24-25। कहने का मतलब है कि 100 ग्राम में आपको 20 से 26 ग्राम के आसपास मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर होता है। तो सोयाबीन हो गया, उसके बाद ये दालें हो गई। अब एक और अच्छा सोर्स होता है अंडा। अंडे का जो सफ़ेद वाला पोर्शन होता है, तो एक अंडे के सफ़ेद वाले पोर्शन में लगभग 4 ग्राम प्रोटीन होता है। जो पीला वाला पोर्शन है उसमें 2 ग्राम के आसपास होता है। तो दोनों को मिला दिया जाए तो 6 ग्राम हो जाता है। वैसे लोग एग व्हाइट ज़्यादा प्रिफर करते हैं, क्योंकि जो पीला वाला पोर्शन होता है, स्पेशली ऐसे लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हुआ हो या दिन में ज़्यादा खाने, 1-2 अंडे रोज़ खा रहे हैं, तो उनके लिए ये रिकमेंडेड है कि आप पीला वाला पोर्शन ना खाओ। लेकिन अगर कभी कभी आप खा रहे हो तो फिर पूरा खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पूरे अंडे में 6 ग्राम ही मिलता है, ये इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। जो फोर्थ नंबर की चीज़ है वो है पनीर। पनीर के अंदर की जो क्वांटिटी होती है, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है, फैट होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। पनीर के 100 ग्राम में लगभग 18 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा, तो एक वो भी सोर्स हो गया। इसके अलावा लो फैट मिल्क है वो ले सकते हैं, प्रोटीन थोड़ा उसमें भी मिल जाता है। बटर मिल्क है उसमें प्रोटीन मिल सकता है। दही है उसमें प्रोटीन मिल जाएगा। दही के 100 ग्राम में कोई 12-13 ग्राम रहता है, मतलब प्रोटीन रहता है, लेकिन मतलब बहुत अच्छा सोर्स नहीं बोला जा सकता इनको। इसके अलावा एक ओट्स होता है। अब ओट्स क्या है, एक अलग तरह का अनाज है, उसके 100 ग्राम में लगभग 13 या 12 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। और ओट्स के अपने अलग फ़ायदे, उसके अंदर फाइबर होते हैं, दूसरे मिनरल्स होते हैं, तो सुबह के समय एक नाश्ते में लेना आसान रहता है। तो कहने का मतलब है कि अभी अपने पास जो प्रोटीन के सोर्सेस है, देखिए एक चीज़ आप ये समझिए कि हमारे शरीर को प्रोटीन जितना चाहिए रोज का उतना लेना ही चाहिए, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जिससे शरीर अपने आप को रीजनरेट करता है, बनाता है, चाहे हड्डियाँ हों या मसल्स हो या स्किन हो, बाल हो, एंजाइम है, हार्मोन है, मतलब सारी चीज़ें ये प्रोटीन से ही बनी हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हर आदमी को प्रोटीन की एक निश्चित मात्रा लेनी रहती है, स्पेशली उस तरह के प्रोटीन जो हमारा शरीर नहीं बना पाता, जिसको हम लोग इसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। तो जितना वजन होना चाहिए, जैसे कोई मेरा वजन मान लो इस समय अभी 77 kg हो गया है, तो मुझे मिनिमम 77 ग्राम चाहिए जब मैं नॉर्मल काम करूँगा। चूँकि अभी मुझे थोड़े मसल गेन करने हैं, जिम में जाके वेट लिफ्टिंग या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो 1.5 ग्राम तक पर केजी के हिसाब से या 1.7 ग्राम पर केजी के हिसाब से इतना बढ़ा सकते हैं। जो एकदम बॉडी बिल्डर होते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, वो लगभग 2 ग्राम तक कर लेते हैं 1 kg बॉडी वेट के हिसाब से। तो कहने के मतलब है कि मुझे 100 या 110 ग्राम के आसपास चाहिए, तो उतना इन डिफरेंट सोर्सेस से लेना है। तो ये मैंने खाने के सोर्सेस बताए। मैं कोई चिकन या फिश या और दूसरे तरह का रेड मीट नहीं यूज करता, उसके पीछे की वजह यह है कि उसको खाना, बनाना, लाना ये सब बहुत महंगा और बहुत ही झंझट का
ग्राम है मोटा मोटा, आप ये समझो। और एक और बड़ा अच्छा सोर्स है, उसको बोलते हैं वे प्रोटीन। वे प्रोटीन क्या है, दूध में से स्पेशल तरह का एक वे प्रोटीन होता है, उसको निकाल के पाउडर के रूप में बेचा जाता है। वो भी एक सस्ता अच्छा सोर्स है, उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड रहता है, 2-3 रुपए प्रति ग्राम के हिसाब से मिल सकता है, तो कुछ लोग उसको भी ले सकते हैं। तो वो एकदम क्लीन सोर्स है, मतलब एक उसका एक स्कूप आता है, मतलब चम्मच बोल सकते हो, उसमें कोई 20-25 या 22 ग्राम इस तरह का प्रोटीन मिल जाता है। तो इंडिया में यही सारी चीज़ें हैं, जब भी आप प्रोटीन के सोर्स की बात करो सस्ते अच्छे, तो ये जो मैंने बताए हैं यही होते हैं। इसके अलावा एक चीज़ ज़रूर आप ध्यान दें कि किसी भी तरह का आप खाना खाओ, चाहे अनाज में दाल हो गया, रोटी हो गई, चावल, सब्जी, फल, अब कुछ सब्जियां, इनमें भी थोड़ा बहुत रहता है, अनाज में स्पेशली रहता है, सब्जियों में, सलाद में, फ्रूट्स में रहता है, पर बहुत ही कम रहता है। तो ये कुछ मैंने सोर्सेज बता दिए, प्रोटीन लेना है, क्योंकि जब तक प्रोटीन आप नहीं खाओगे तब तक आपके वजन को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल रहता है, तो इस बात का ध्यान रखें। बहरहाल ये सबसे आसान, सस्ते, ये सारे प्रोटीन के सोर्सेस हो गए। जो लोग नॉन वेज लेते हैं या जिनके आसपास मिलता है या घर में लोग खाते हैं या खुद खाते हैं, उनको मेरी यही सलाह रहेगी कि उसको आप भून के खाओ या उसमें तेल कम डालो, मतलब ग्रेवी मत बनाओ, उसके अंदर तेल या बहुत सारे मसाले, बटर, घी, इस तरह की चीज़ें उसमें ना डालो। वो डालने से फिर जो कंपोजिशन होता है ना प्रोटीन वाला, वो नॉन वेज के अंदर कम हो जाएगा और आपको उस तरह का फ़ायदा नहीं मिलेगा, ओवरऑल कैलोरी डेंस हो जाएगा और वजन आपका कम नहीं होगा। तो बेसिकली ये मेरा बताने का मकसद था कि इस तरह के खाने हैं, अगर आप वजन कम करना चाह रहे हो तो इस तरह के प्रोटीन सोर्सेस हैं जो इंडिया में मिलते हैं या लेना चाहिए या प्रैक्टिकल तरीके से लिया जा सकता है। मेन बताने का मकसद ये है कि महंगा ना हो खाना, आप भी खाते हो, आसानी से मिल जाए और घर वाले भी खा लें, उनको भी तकलीफ ना हो। तो ये 2-3-4 चीज़ें मैंने बताई है, इन्हीं पे फोकस रखो, कोशिश ये करो कि 100 ग्राम पर डे के हिसाब तक पहुंच पाओ, कैलकुलेट कर लो, और बहुत ज़्यादा कैलरी भी ना बढ़े, नहीं तो फिर वजन नहीं बढ़ेगा, मोटापा बढ़ता रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।